वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कैल्टोन टैग के बारे में। आपको याद होगा इस शेयर के ऊपर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए और काफ़ी टाइम से मैं इसे फॉलो कर रहा हूं और मैं आपको प्रॉपर एक टारगेट इसमें मैंने लगातार आपको दिए हैं। अभी का जो इसका प्राइस है 50 रुपये 10 पैसे प्राइस है। आज आप देखोगे ना तो इसकी डे की क्लोजिंग 4% इसने लो पे अपनी दी है। तो ये था देखो आज की डेट में ना मार्केट पर आप देखो लास्ट जो फ्राइडे था और जो आज का दिन है मंडे, इन दिनों लगातार प्रॉफिट बुकिंग हुई है और मार्केट में प्रेशर बहुत है और मार्केट आप देखो दोनों दिन मार्केट ने लो पे अपनी डे की क्लोजिंग दी है। और आज तो देखोगे निफ्टी का जो लो है बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है निफ्टी के अंदर। तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर कोई आप शेयर बाय करना चाहते हो तो थोड़ा वेट करो। अगर कल की डेट में निफ्टी ने की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हुई या निफ्टी ने रिकवरी करने की कोशिश करी तो उसी कंडीशन में आपने शेयर बाय करने हैं। उससे पहले अपने आपके जो भी शेयर है जो आपने बाय कर रखे हैं उसमें एक एसएल देख लो आप कि इससे ज़्यादा अगर आपको लॉस हो रहा है या आपने प्रॉफिट बुक करना है तो एक स्टॉप लॉस आप देख लो तो ठीक रहेगा आपके लिए। अभी का जो प्राइस है इसका 50 रुपये 10 पैसे, आपको याद होगा मैं रिसेंटली मैंने इसके ऊपर 29 अगस्त को वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो अगर आप देखोगे 29 अगस्त को, तो 29 अगस्त को संडे था तो 44 रुपये का प्राइस था और मैंने आपको कहा था कि इस कंडीशन में इस शेयर को 40 रुपये को ब्रेक करना मुश्किल है। 29 अगस्त की मेरी वीडियो प्ले करके भी देख लेना, मैंने 40 रुपये का स्ट्रॉन्ग एसएल बोला था कि इसे ब्रेक नहीं करेगा और यहां से मैंने टारगेट दिया था 50+ का टारगेट दिया था। तो उसके बाद देखोगे तो लगातार आप देखोगे ये शेयर आने वाले टाइम में जब ये 50 के ऊपर गया था ना, जैसे 49 रुपये के ऊपर गया था 48 से 49 रुपये में, जब ये 49 रुपये पर गया था ना उस दिन, ये तो डे की क्लोजिंग आ रही है, उस दिन ये 51-52 रुपये तक अपसाइड गया था, हाई गया था। तब मैंने जो टारगेट दिया था 50 का टारगेट दिया था और वहाँ मैंने प्रॉफिट बुक करने को कहा था अगर जिसने ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि मैंने कहा था अगर 50 के ऊपर सस्टेन हुआ तो आपको अच्छा खासा, ये शेयर 55 रुपये तक गया था और 55 के बाद एक डाउनफॉल आया है। अभी के लिए जिन्होंने बाय कर रखा है देखो 50 रुपये का एसएल है, सिंपल है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो 50 रुपये के एसएल ही रखो इसमें, अगर रिकवरी हुई, क्योंकि देखो अगर थोड़ा रिस्क लेते तो 49 रुपीज़ का एसएल रखो। एक बार यहाँ देख लेते हैं, बाकी चांस है कि यहाँ से रिकवरी करेगा, फिर भी एक बार देखते हैं अगर मार्केट स्टेबल रही तब। एक बार यहाँ देखते हैं अभी का जो प्राइस है देखो 50 रुपये का, यहाँ पर भी एसएल दिखा रहा है हमें, तो यहाँ पूरे चांस है 50 रुपये से ये रिकवरी करे। फिर भी एक अगर आप एक सेफ प्ले खेलना चाहते हो या सेफ प्लेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 49 रुपीज़ का एक एसएल रखो आप। और अगर ये शेयर तो यहाँ हमारे पास प्राइस आ रहा है अभी भी वही है, पूरे चांस अगर इसमें रिकवरी हुई 55 रुपये एक इसका टारगेट है, उसके बाद ये ऊपर आ रहा है करीब 58 रुपीज़ के आसपास, या आप देखो 58 रुपीज़ या 60 रुपये के ऊपर अगर कभी सस्टेन हो गया ना ये, क्योंकि यहाँ अभी मुश्किल है क्योंकि यार 200 DMA का सपोर्ट है आपके सामने दिख रहा है, 200 DMA का सपोर्ट है। अगर 60 रुपये के ऊपर सस्टेन हो गया आपको आराम से 65 रुपये तक ये शेयर आपको जाता हुआ दिख सकता है, पर अभी के लिए देखो 55 रुपये है तो एसएल आपको बोला है 49 रुपीज़ का आप रखो। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले शेयर के ऊपर, अब बात करते हैं अपने केटेक्स के बारे में। इस शेयर का प्राइस 168 रुपये अभी का प्राइस है और आज की जो डे की इसकी क्लोजिंग है वो 0.8% इसने हाई पे दी है। तो एक बार लेवल देख लेते हैं हम आपके सामने, अभी का जो प्राइस है 168 रुपये 159 रुपये यानी के आसपास है। तो अभी का जो हमारे पास एसएल आ रहा है, अगर कोई भी शेयर को ट्रेड करना चाहता है तो 160 रुपये के एसएल के साथ आप इसे ट्रेड करो, 160 रुपये के एसएल के साथ। और जो हमारा अभी का टारगेट है, इसमें 180+ का टारगेट के लिए, क्योंकि अभी का यही है इसके अंदर टारगेट। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर के ऊपर, अब बात करते हैं आंध्रा सीमेंट के बारे में। इस शेयर का जो आज की जो डे की क्लोजिंग है वो है 4.7% लो पे, करीब 5% के आसपास इसने अपनी डे की क्लोजिंग लो पे दी है। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं, अगर आप नहीं ये शेयर बाय कर रखा है तो मैं कहता हूँ 20 रुपये के एसएल के साथ, ठीक है। अगर कल की डेट में भी गिरावट हुई इस शेयर के ऊपर तो आप इस शेयर में अपना प्रॉफिट बुक कर लो। और जो हमारे पास एसएल आ रहा है इसका 18 रुपये 70 पैसे यानी 18 रुपये 50 पैसे के एसएल के साथ आप ट्रेड करो। और जिस तरह इसका आज का ट्रेडिंग पैटर्न है पूरे चांस है 1-2 दिन तक ये पैटर्न रहेगा और लगातार इसमें गिरावट होगी। और अगर इसने 18 रुपये या 18 रुपये 50 पैसे के एसएल को ब्रेक करा तो उस कंडीशन में इसमें अच्छी खासी गिरावट होने की संभावना है। और जिस दिन इसने रिकवरी करी, जैसे 20 रुपये चांस है कि 20 रुपये से रिकवरी कर ले, पर अगर इसने रिकवरी करी तो ये 25 रुपये के टारगेट तक जा सकता है। पर अभी के लिए इसमें पूरा है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और 18 रुपये 50 पैसे के एसएल के साथ आप इसे ट्रेड करो। मैं कई बार इसमें वीडियो बना चुका हूँ,
और मैंने हमेशा इसके ऊपर लेवल बताए हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म आप इस पर मत रखना, क्योंकि ये ट्रेड करने के लिए, इसके आप फंडामेंटल देखोगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए जो करना चाहता है वो करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के, किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।